हेलो फ्रेंड्स, तो कल था मेरा बृहस्पतिवार, आज मेरा व्रत खत्म हुआ है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे नमकीन चावल, आपको दिख रहा है यहाँ पे टमाटर, प्याज, मिर्ची, आलू कट करके रखा हुआ है। ये मसाले वाला डिब्बा है, इसमें सारे मसाले ऐड किए हुए हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट है यहाँ पे और एक सब्जी मसाला है। यहाँ पे चावल भिगो के रख दिया है एंड कुकर सूख गया हमारा। तो अब मैं इसमें डालूंगी तेल। ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जल्दी झटपट बना लेती हूँ। बहुत टेस्टी लगता है सच में, आप एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना। तो थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी जीरा, अभी कुछ सामान नहीं है मेरे पास, तो जो है उसी से बना ले रही हूँ। मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे तो सारा सामान हो जाएगा। तो तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा को अच्छे से फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम लोग डालेंगे यहाँ पे हरी मिर्च जो मैंने ये कट करके रखा हुआ था। अब सारी चीज़ें डालेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे, चावल डाल देंगे, एक सीटी लगवाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। पपीता, ये इसके छिलके हैं, तो हम लोग छिलके अक्सर फेंक देते हैं। पपीता तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है आपके पेट के लिए, आपकी स्किन के लिए। जितना ही ये खाने में फ़ायदेमंद है, उतना ही आपकी स्किन के लिए ग्लो में भी ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप पपीता का जो छिलका है उसको फेंकना नहीं है। इसका क्या करना है मैं बता रही हूँ, पपीता तो आप खा लीजिएगा, छिलके को आपको एक मिक्सर जार में डाल लेना। आपकी फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए, आपकी बॉडी से डार्क स्पॉट्स, दाग वगैरह जो हो जाते हैं स्किन पे, उसके लिए फेस एंड बॉडी मैं इसको नहाने में यूज करूँगी, उसमें आपको इसको यूज करना है। पपीता तो हमने ले लिया है, इतना ही काफ़ी है फुल बॉडी के लिए। ये वाला मैं खाऊंगी एंड इसमें थोड़ा सा हम लोग हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी से क्या होता है, आपकी स्किन की जो टैनिंग होती है, डेड स्किन होता है, और स्किन में जो ग्लो ऐड होता है वो अमेजिंग का होता है। तो इसमें थोड़ी सी मिक्स करनी है हल्दी, तो थोड़ा सा इसमें हम लोग मिक्स कर देंगे हल्दी। ओके, आधा चम्मच तक है आपको ये हल्दी ऐड कर लेनी है। और इसमें हम लोग थोड़ा सा ऐड करेंगे नमक। नमक से क्या होता है, हमारी स्किन को डीप क्लीन करता है और गर्मियों के लिए बेस्ट रहेगा। तो नमक आप ऐड कर सकते हो, अगर स्किन आपकी बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ऑयल हो रहा है, डेड स्किन हो रही है, डल स्किन हो रही है, तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा नमक। अब आपके पास शहद है तो आप इसमें शहद भी ऐड कर लीजिएगा, मेरे पास शहद नहीं है फिलहाल में। अब हम इसको पीस लेंगे, पीस के फुल बॉडी एंड फेस पे लगाएंगे, थोड़ी देर मसाज करेंगे, उसके बाद नॉर्मल पानी से नहा लेंगे। आपकी स्किन में अमेजिंग सा ग्लो ऐड होगा, स्किन के डार्क स्पॉट्स, डलनेस, सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। तो कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं बताती हूँ आपको। तो इस तरीके से अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई करना है, थोड़ा थोड़ा करके। तो पूरे फेस पे मैंने इस तरीके से इसको अप्लाई किया है। अब इसी तरीके से पूरे हाथों पे एंड जहाँ भी आपको अप्लाई करना है, जहाँ पे भी आपको लग रही है डार्क स्पॉट्स की, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल के नीचे भी लगा सकते हो। आँखों पे भी काफ़ी अच्छा ठंडा फील होता है, जिससे आपके आँखों को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। तो पूरे बॉडी पे इस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे इसको, हाथों पे भी अप्लाई करेंगे क्योंकि हाथ भी मेरे आजकल बहुत ज़्यादा डल दिख रहे हैं, ब्लैक हो गया धूप में जाने की वजह से। क्योंकि जो मैंने काम स्टार्ट किया है उसके लिए हमको धूप में भागना दौड़ना पड़ता है, लेकिन अब ठीक हो जाएगा। जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो वो लेके आएंगे, ले जाएंगे सारा सामान। इस तरीके से पूरे बॉडी पे हम लोग अप्लाई करेंगे इसको। इसको हम लोग 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे। तो चलिए इसको 5 मिनट छोड़ के मसाज करके रिमूव कर लेंगे, फिर मैं नहा के आपको इसका रिजल्ट बताती हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स मैं नहा के आ गई हूँ, काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। जेट स्किन जो है अभी आपको दिख रही होगी, बट बहुत हद तक निकल गई थी, एंड जो ब्लैक ब्लैक है वो पपड़ी टाइप का हो गया, 1 से 2 दिन में निकल जाएगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हाथ भी काफ़ी साफ और फ्रेश दिख रहे हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। आप ट्राई करोगे तो आप मुझे ज़रूर बताओगे कमेंट बॉक्स में, और बताना ज़रूर ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और भी इस तरीके की वीडियोज़ लेकर आ पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स मैं नहा के आ गई हूँ, काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है एंड काफ़ी साफ दिख रहा है स्किन। जितनी भी डेड स्किन थी वो एक बार में ही रिमूव हो गई थी। नमक और हल्दी जो है वो डेड स्किन को रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा रामबाण का काम करता है। और जो पपीता था वो आपकी स्किन में मॉइस्चराइजिंग ऐड करता है, आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाता है, छाइयाँ डार्क स्पॉट जो आते हैं उनको रोकता है, और काफ़ी हद तक आपकी स्किन को क्लियर करता है एंड स्किन टोन को फेयर करता है।
तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप भी अगर इस तरीके से पपीता को छिलके को फेंक देते हो तो आप एक बार ये वाला ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आपको अमेजिंग सा ग्लो देखने को मिलेगा आपके स्किन पे, जो यहाँ पे लाइन्स पड़ती हैं वो उसको भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। हाथों हाथ पैर जो स्किन धूप में जाने की वजह से ब्लैक पड़ जाते हैं वो भी काफ़ी हद तक इससे क्लीन हो जाता है। और जो हमारी कोहनी आर्म अंडर आर्म्स वगैरह जो प्राइवेट पार्ट हमारे ब्लैक पड़ जाते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये होम रेमेडी। तो आप ट्राई करिएगा और ट्राई करके मुझे रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा। और आपको इस तरीके की वीडियो ज़्यादा देखना पसंद है या नहीं है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।